सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ चैनल द करेंसी मीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी मीडिया का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों हम बेंगलोर एग्जीबिशन में थे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें वहाँ पे ब्रिटिश पाइन बुक के लेखक श्री गेवकैस जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने इनसे निवेदन किया, तो ये आज हमारे साथ हैं और आपको शेयर कर रहे हैं अपना कुछ नॉलेज और बताएंगे इस बुक के बारे में और ब्रिटिश पाइनिस के बारे में। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं और ले चलता हूँ आपको मैं श्री गेवकैस के पास। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे कि आपका पूरा नाम क्या है और आप न्यूमिस्मेटिक के अंदर किस फील्ड का नॉलेज रखते हैं, आपकी इस फील्ड में एंट्री कैसे हुई और आपके मार्गदर्शक साथी शुभचिंतकों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी बुक कॉइंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में भी संक्षेप में बताने का कष्ट करें। मेरा नाम है गेव फिरोज खियास और मैं न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड के अंदर ब्रिटिश इंडिया पर नॉलेज रखता हूँ। 2015 में मैंने अपनी बुक रिलीज की है डॉक्टर दिलीप राजगौर साहब के साथ, और मेरी शुरुआत होती है 1991 में, जब मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। मैं मुंबई फैशन स्ट्रीट गया था कुछ कपड़े लेने के लिए, पिताजी से पैसे लेके कपड़े लेने गया था। अब ऐसा था कि रास्ते पे एक स्टॉल देखा, मैंने फुटपाथ पे एक स्टॉल देखा, उस पर ग्रामाफोन थे, बस वो एंटिक लुक्स के सब चीज़ें थे उसके ऊपर। अब मेरे को वो खींचे गई, मैं गया उनके पास। अब उनके पास से मैं कुछ कॉपर के सिक्के देख रहा था जो अलग अलग सालों के थे, जैसा 1912 क्वार्टर आना ये सब दिखा रहे थे, और बोले इसके सब 10-10 रुपए थे। तो मैं कुछ सिक्के उठाया, अब उसके अंदर भी अलग अलग ईयर के सिक्के उठाए मैंने। फिर वो जिनकी दुकान थी उन्होंने बताया कि हम आपको चांदी के सिक्के दिखाते हैं। अब चांदी के सिक्के का तो मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने कुछ एक मुझे 15 सिक्के दिखाए। अब 15 सिक्के दिखाने का मेरे को तो बहुत ये हो गया कि इतने जूने सिक्के इसके पास आए कैसे हैं, पर नॉलेज तो था नहीं। उसको पैसे दिए, उसने बोला मेरे को 45 रुपीज़ 45 रुपये कॉइन का चाहिए, और उठा लिया और मैंने 15 के 15 कॉइन का उसको पेमेंट कर दिया। अब मेरे पास पैसे रहे नहीं कपड़े खरीदने के, क्योंकि इसमें डाल दिया। उस जमाने में बॉम्बे में दादर स्टेशन के सामने एशियाड बस चलती थी। अब वही एशियाड बस से मैं रिटर्न आ गया पूना। अब गर्मी का मौसम था, हर बार मैं जेब से सिक्के निकालता था और देखता था, सिक्के निकाल के देखता था, और बहुत खुशी होती थी कि राजा रानी का फोटो उसके ऊपर, उस पर जूने साल लिखे है, 1915 है, 1907 है। अब जब पूना आ रहा था, जब पूना आते समय चिंचवड़ बस ने पार कर लिया, 3-4 सिक्कों ने, हाथ में पसीना था, 3-4 सिक्कों ने हाथ पे से कॉइन देखते देखते ऐसा लगा कि वो सिल्वर नहीं है, उसके पीछे ब्रॉन्ज है। तो मुझे पता चला ये सिक्के ऐसे नहीं है, ओरिजिनल चांदी के नहीं है, ये इस पर चांदी का पानी चढ़ाया गया है। अब मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आया ये बातों पे कि ज्ञान नहीं है और पैसे डाल दिए। अब जिसने बेचा ठीक है उस पर तो गुस्सा था, पर आप जब खरीदने जाते हो और आपको ज्ञान नहीं है तो आप बेचने वाले को दोष नहीं दे सकते हो, आपको ज्ञान लेके चलना है क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। उसके बाद बस ये चीज, बिकॉज वो सब ब्रिटिश इंडिया के सिक्के थे यानी डुप्लीकेट वाले, उसके बाद काफ़ी लोगों से मैं मिला पुणे में, यानी जिससे मिलता था कि क्या होता है क्या होता है, किसको पता नहीं था। फिर एक दिन पेपर में एडवर्टाइज आई थी कि शिवाजी नगर के इंग्लिश स्कूल के अंदर कोई सिक्कों का प्रोग्राम है, बस वहाँ चले गया। वहाँ मैं काफ़ी लोगों से देखा कि स्टॉल लगाए, बेच रहे, कर रहे कर रहे, फिर वहाँ मुझे SR भट्ट साहब मिले, पुणे के है। उन्होंने सबसे पहले मेरे को घर लेके गए और उन्होंने डी चक्रवर्ती का बुक दिलाया, बोले इसको पढ़ो। ये बुक पढ़ते पढ़ते, और उनके पास जो डबल सिक्के थे, डबल जो वो भी कलेक्टर ही है, जो डबल सिक्के थे उन्होंने मेरे को पास ऑफ किया, वो भी सेम प्राइस में जो उन्होंने खरीदे थे, एनकरेज किया, उन्होंने काफी एनकरेज किया। ये एनकरेज के बाद अब मेरा ऐसा वक्त आया लाइन के अंदर कि जब एक बहुत बड़े ज्ञानी मुझे मिले, बसंत कुमार राठी जी जो कलकत्ता के है, अब उन्होंने मेरे को प्रिडमोर की बुक दिलाई कि आप ये बुक पढ़िए, और ये करते करते मैंने कलेक्शन चालू किया। अब कलेक्शन का थीम क्या था, पहले एक थीम, एक डिनोमिनेशन लेना है, या रुपया या चार आना या आठ आना या कॉपर में,
अब उसको पहले ईयर वाइज करना है, जितने ईयर वाइज सिक्के मिलते हैं उसको जमा करना है, फिर उसके बाद आपको मिंट वाइज करना है कि उस वक्त की मिंट थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लाहौर, मिंट वाइज आपको करना है। अब ये दोनों आपने मिंट वाइज कर लिया, मिंट वाइज करने के बाद अब ऐसा टाइम आया कि इसमें डाई वेरिएशंस होते हैं। डाई वेरिएशंस वो होते हैं कि एक ईयर के अंदर जब मिंट इतना मिंटेज मिंट करता है तो मल्टीपल डाइज वापरता है, मल्टीपल डाइज। अब ये मल्टीपल डाइज में वेरिएशंस होते हैं, इसको हम कहते हैं डाई वेरिएशंस। और एट द सेम टाइम हम ऑब्वर्स रिवर्स का पेयरिंग भी जो होता है उसको हम डाई वेराइटी बोलते हैं। अब ये होने के बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब मैं डॉक्टर दिलीप राजगर साहब से मिला था और उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो नॉलेज है आपको बांटना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है ये फील्ड में, बस ये लाइन में बस कंट्रीब्यूट करने के लिए हम दोनों ने मिलके ये पुस्तक बनाई है जिसका नाम है कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1835 to 1947 करेंसी इश्यूज। अब ये जो पुस्तक है इसको हम करेंसी इश्यूज कहते हैं। व्हाट इज करेंसी इश्यूज मींस, जो चलन में निकले। मिंट ने प्रूफ सिक्के भी बनाए हैं, पैटर्न सिक्के भी बनाए हैं और चलन, चलन में जनरल पब्लिक के लिए। ये जो पुस्तक है वो जनरल पब्लिक के लिए जो बना थे उस वक्त उसके ऊपर लिखी गई है। अब ये सन 1835 से 1947 तक की है। 1835 से जब यूनिफॉर्म कॉइनेज चालू हुआ था, यूनिफॉर्म कॉइनेज बोले तो क्या होता है उस जमाने में, 1835 के पहले हमारे देश में तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ऐसा होता था कि ये प्रेसिडेंसी अपने अपने सिक्के बनाते थे पर ट्रेड के लिए आपस में नहीं लिया जाता था, वो मना कर देते थे। लाइक अगर बंगाल से कोई अगर आता है मद्रास प्रेसिडेंसी में और उसको खरीदने बोले ये सिक्के नहीं चलेंगे। अब इससे क्या होता था, दोनों तीनों तरफ के जो ट्रेड लिंक्स होते थे उनको घाटा होता था। अब इस टाइम पे जेम्स प्रिंसेप करके एक महान विद्वान थे जिन्होंने एक आइडिया दिया ब्रिटिश सरकार को कि आप एक यूनिफॉर्म सिक्का बनाइए। यूनिफॉर्म सिक्का वो होता है कि इंडिया के हर कोनों के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और आज अगर आप देखते हो आज के दिन जैसा 2019 में हम जो भी सिक्के वापरते हैं वो यूनिफॉर्म कॉइनेज ही है, भले वो कलकत्ता मिंट ने बनाई हो, बॉम्बे मिंट ने बनाई हो, नोएडा मिंट ने बनाई हो, हैदराबाद मिंट ने बनाई हो, बस वो उनको सिमिलर रखना है ऑब्वियसली उसको। पर हर सिक्के के ऊपर एक मिंट अपने निशान छोड़ता है जिसको बोलते हैं मिंट मार्क। जैसे हमारे सिक्के में 1835 के अंदर मिंट मार्क था नहीं, उस जमाने में मिंट के जो मास्टर्स थे वो अपने इनिशियल्स छोड़ते थे जो आप विलियम के कॉइन के ट्रंकेशन के ऊपर देखे जाते थे। जैसा आर एस इनक्यूज होता है वो होता है रॉबर्ट सैंडर्स, एफ इनक्यूज होता है वो विलियम फोर्ब्स का होता है, यानी मिंट मास्टर थे। और उस जमाने में एक चीज होता था, एक राजा के जो सिक्के बनते थे उसको बोलते थे फ्रोजन ईयर, 1835 से लेके 40 तक पर सिक्कों के ऊपर आपको 1835 ही दिखेगा, उसको बोलते हैं फ्रोजन ईयर थियरी। उसके बाद आया जब रानी है, अब किंग विलियम तो गुजर गए 1837 में ही रानी को विक्टोरिया को क्वीन बनाया गया था, पर उनके सिक्के आए चलन के अंदर 1 नवंबर 1841 में फर्स्ट सिक्के। अब उसके अंदर ऐसा था कि उसके अंदर अब ओवर्स के अंदर रानी का बस्ट आता था और रिवर्स के अंदर वापस आता था ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपी। अब इसके अंदर एक इनका एक तरीका था, जो विलियम के आप अगर सिक्के देखते हो तो विलियम का सिक्के जब आप देखते हो तो विलियम का चेहरा इज फेसिंग राइट। अब दूसरी जो रानी आती है उसके बाद अब उसका चेहरा देखोगे आप लेफ्ट। ये तरीका होता था टू चेंज द फेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये उसका तरीका हुआ करता था। अब उसके बाद रानी आई, रानी ने 1840 के अंदर बड़ा कॉइन आया जिसको हम हमारे भाषा में कंटिन्यूस लेजेंड कहते हैं। फिर 1849-1850 के अंदर वापिस वो बड़े कॉइन छोटे हो गए फ्लेंच। अब वो सेम विक्टोरिया कॉइन थे पर उसके ऊपर आया डिवाइडेड लेजेंड, द थियरी हो गई डिवाइडेड लेजेंड। व्हाट इज द लेजेंड, यानी पीछे आप जब देखो तो विक्टोरिया क्वीन कंटिन्यूसली लिखा गया है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस लेजेंड। और अगर विक्टोरिया यहाँ लिखा है ऑपोजिट साइड के अंदर क्वीन लिखा गया है तो उसको बोलते हैं डिवाइडेड लेजेंड। ये चला आपका और चला 1860 तक।
अब उसके बाद ये जो अथॉरिटी थी, ईस्ट इंडिया की जो अथॉरिटी थी, वो 1862 के अंदर क्राउन को सौंप दी गई है। क्राउन मींस विक्टोरिया। अब आप सिक्कों का जब फोटो देखोगे 1862 पे, तो रानी को क्राउन पहनाया गया है, और 1840 देखोगे तो उसके ऊपर सर पे ताज नहीं है। अब ये 1862 के जो सिक्के है, ये 12 साल चले, और ये 12 साल के अंदर यर सिक्कों के ऊपर 1862 ही लिखा गया था। अब बॉम्बे मिंट ने उस जमाने में, उनको सिक्के की गिनती कैसे करेंगे कि ये साल कितने सिक्के बनाए? तो बॉम्बे मिंट ने डॉट डेटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। डॉट डेटिंग सिस्टम वो होता है कि मिंट एक जगह के ऊपर एक डॉट डालता है, जो उसको लगता है कि एक डॉट बोले तो पहला ईयर, पर वो कोई भी डिजाइन जो बनी हुई है, कैलीग्राफी जो बनी हुई, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो रिवर्स में आएगा। यानी जैसे 1862 यहाँ लिखा है, और ऊपर टॉप फ्लावर ओ एन ई एन के ऊपर अगर डॉट है 1, ओके, तो इट इज काउंटेड दैट दिस कॉइन इज बना गया है 1863 में। अगर दो डॉट है तो 1864, ऐसे करके 12 डॉट तक गया था, मींस 12th ईयर। जब आप एक डॉट देखते हैं तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड डॉट इज द सेकेंड ईयर, सो ऑन। फिर जब ऊपर की डॉट की जगह कम गिर गई, तो इन्होंने ईयर के ईयर और बॉटम फ्लावर के नीचे मारा है डॉट, बॉटम फ्लावर के ऊपर और ईयर न्यूमरल्स के बीच में मारा है, वो भी डॉट काउंट किए जाते हैं। ये सब चीज पूरी डिटेल में बुक में दी गई है। अब उसके बाद 1874 के अंदर कंटिन्यूस ईयर सिस्टम आया, उन्होंने किया। अब 1874 से लेकर आखिरी तक एवरी ईयर का कॉइन जो बना, वो उसके सेम ईयर के साथ आया, 1874, 1875, 1876, 1901 तक। 1901 में क्वीन गुजर गई। अब उसके बाद उनका बेटा आया, किंग एडवर्ड 7th, पर उनके सिक्के चालू हुए 1903 से लेके 1910 तक। 10 में एडवर्ड सब गुजर गए, किंग एडवर्ड गुजर गए। अब उनके बाद उनके बेटे आए, किंग जॉर्ज द 5th, उनके सिक्के बने 11 से लेके 36 तक, 1911 से लेके 1936 तक। अब जब वो गुजर गए, तो उनके और एक बेटे आए थे, किंग एडवर्ड 8th। किंग एडवर्ड एक साल के लिए रूल किया था, पर उनके नाम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर सिक्के नहीं बने, खाली उनके सिक्के बने हैं कच स्टेट के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए नहीं होते। फिर जब वो उनकी वहां से जब थ्रोन पे से निकले, तो उनके छोटे भाई किंग जॉर्ज 6 क्राउन पे आए, और उनका पहला सिक्का बना 1938 में, और आखिरी उनका सिक्का था 47 में। और 47 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, वो चले गए, और फिर हमारा रिपब्लिक चलो, जो रिपब्लिक का हमारा पहला कॉइन था 1950 का। सर, आपने एक ही सांस में पूरी इतिहास को आपने बता दिया। मैं सलाम करता हूँ आपको, जो आपका नॉलेज है अल्टीमेट। आप ज्ञान अल्टीमेट नहीं सर, मेरा ये लाइन के अंदर मेरे से 29 ईयर्स हो गए हैं, और मैंने यही सेगमेंट में डेडिकेशन दिया है। 1835 से पहले कुछ नहीं, 1947 के बाद कुछ नहीं, बस ब्लिंकर स्पेन के यही डेडिकेशन किया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया इज लाइक एन ओशन। ये जितना नॉलेज आज बुक में है वो भी कम है, और भी डिस्कवरीज हो रही है, डेली बेसिस पे डिस्कवरीज हो रही है। मे बी सेकेंड बुक एडिशन के अंदर वो भी आ जाएगा, बस ये डेडिकेशन है और कुछ नहीं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप कॉन्ट्रीब्यूट ना करो ज्ञान को, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ना लाके, न्यू जनरेशन को कैसा पता चलेगा? सीधा अगर एक को ज्ञान या सुन लो ज्ञान है और ज्ञान नहीं बांटते, तो फिर न्यू जनरेशन को कौन ज्ञान देगा? तो इसके लिए बुक फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में तो ज्ञान देना ही देना है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे चैनल पे आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने जो नॉलेज दिया उससे इस नई पीढ़ी को बहुत फायदा होगा। और मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि यदि आपको अपने कॉइन कलेक्शन को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, तो आप रिपब्लिक से ब्रिटिश काइनेज पे आइए और ब्रिटिश काइन की ये बुक जरूर खरीदिए। इस बुक में जो नॉलेज दिया गया है वो ढूंढे नहीं मिलेगा आपको, जो इनकी मेहनत है, मतलब आप बुरा न माने तो इन्होंने बाल सफ़ेद कर ली इस बुक को करते करते, बहुत मेहनत है, रात रात भर जाग के नया ने कहाँ कहाँ ढूंढ के ये सिक्के लेके आए, और उसका पूरा नॉलेज इन्होंने इकट्ठा किया, सैकड़ों बुक्स पढ़ी, सैकड़ों रेफरेंस आए,
और कई जगह का कई लोगों का इनको साथ मिला, उसके बाद ये खजाना तैयार हुआ है आपके लिए, तो आप इसको अपने हाथ से न जाने दें, अभी मौका है, इस बुक को आप तुरंत परचेज कर लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद। और उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप इस चैनल पे आए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर ज़्यादातर जो चैनल हैं वो फेक वीडियो बनाते हैं सिर्फ अपने व्यू पाने के लिए, लेकिन हम जब से YouTube पे आए हैं, जब से हम इस लाइन में आए हैं, हम अपना दिन रात एक कर देते हैं और हम दो ही बाप बेटी लगे रहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। हमारा उद्देश्य ये है कि इस दुनिया के सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडियन पाइनियर्स क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। लोग जो फॉर्जरी करते हैं, दूसरी तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं, उन सब से हम आपको सचेत करने के लिए इस चैनल पे आए हैं, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम किसी भी तरह से आपके पास सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान पहुँचाएँ। तो आपका हमारे को इतना साथ मिलता है और ऐसे महान लोग हमको साथ देते हैं जिनकी वजह से और आपके आशीर्वाद से ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। आपका आशीर्वाद रहा तो चैनल इंडिया का नंबर वन चैनल बनेगा, जो सच्चाई में नंबर वन है, इस पर कभी भी झूठा वीडियो नहीं डाला जाता है। हमारा चैनल है द करेंसी टीवी, इससे यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिंदास मुझसे मिल सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं वीडियोज़ में। कुछ लोग मेरे आधे वीडियो देखते हैं और कहते हैं आपका वीडियो में फ़ोन नंबर नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी इसलिए बता दूं कि मैं कम से कम 5 वीडियो में मैंने नंबर दिए हैं, अब मैंने नंबर देना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत फ़ोन कॉल आते हैं और चिल्लर के लिए मेरे पास फ़ोन आते हैं। तो चिल्लर और कॉइन और कलेक्शन, इसमें फ़र्क होता है। पहले आप सारे वीडियो देखिए, इसको जानिए और उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आपका कलेक्शन बहुत अच्छा हो और आप आने वाली पीढ़ी के लिए उस धरोहर छोड़ के जाए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में। जय हिंद, जय भारत।